तुम चाहते हो जाए चूल्हे में, हम जैसे चाहे तो चलो। इसलिए आग्रह के कारण व्यवहार कटु हो जाता है। और तीसरा अंतिम कारण है अहंकार। अहंकार पति पत्नी के बीच जब ईगो चलता है आपस में, हम तुमसे कम नहीं, हम तुमसे कम नहीं, तब बात बिगड़ती है। मेरी एक कथा, मुझको अनुभव हुआ, मैं कहीं कथा कर रहा था, मेरे प्रोग्राम कहीं था, तो कुंभकर्ण पे मैंने व्याख्या सुनाई, एक घंटे बोला कुंभकर्ण पर, और लिखा है कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है, और मैंने उसी व्याख्या सुनाई पूरी, उसके एक एक अंग की व्याख्या किया अहंकार के रूप में। तो यजमान जो थे ना, वो पति पत्नी दोनों प्राणी, वो जब मुझे लेने आए गाड़ी लेकर के, तो पति बोला पत्नी, हम बैठे सीट पर, वो बोला पत्नी से, हमने देखा सुना कथा तुमने आज की, आज की पूरी कथा तुम्हारे भय, तुम्हें साक्षात कुंभकर्ण हो तुम। तो पति बोला पत्नी से, अरे हमरे नहीं, कथा तुम्हारे भय पूरी पूरी आ जाए, तुम कुंभकर्ण की नानी हो साक्षात। अब वो कहे कि तुम कुंभकर्ण, वो कहे तुम कुंभकर्ण, अहंकार का प्रतीक कुंभकर्ण है। तो हमने कहा भाई साहब गाड़ी चलाओ, हमने कुंभकर्ण और राम की लड़ाई तो देखी थी, सुनी है कि कुंभकर्ण और राम लड़े हैं आपस में, लेकिन कुंभकर्ण कुंभकर्ण लड़ रहे हैं आपस में, ये पहली बार देख रहा हूं, पहली बार देख रहा हूं। जो हम कुंभकर्ण हमारा है, हमारा आपका ये टकरा रहा आपस में है, कि हम तुमसे कम है का, हम तुमसे कम है का, बस फिर अत श्री महाभारत कथा, ये कथा है पुरुषार्थ की, स्वार्थ की, परमार्थ की। अहंकार नहीं, अहंकार हमारे व्यवहार को कटु कर देता है, हमारे संबंध विच्छेद कर देता है। तो शंकर जी के दाम्पत्य जीवन की ये झाकी एक है इस पहले श्लोक में। यस्यांके च विभाति भूधर सुता, अपनी गोदी में हमेशा अपनी पत्नी माता भवानी को भगवान शंकर इतना प्यार करते हैं अपनी पत्नी से। यस्यांके च विभाति भूधर सुता, देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च करलम यस्यो रसी व्यालराट। और दूसरा श्लोक जो है बड़ा प्यारा है, इसमें राम जी की महिमा गाई गई है। जरा अयोध्या कांड है तो हमको कोई जल्दी नहीं है, एक 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 शब्द मुझे कहना है। प्रसन्नताम यान गताभिषेकस तथा न ममलो वनवास दुखतः मुखाम भुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। बड़ा प्यारा श्लोक है दूसरा श्लोक, इसको जरा समझिए ध्यान देके। गोस्वामी जी कहते हैं कि राजाभिषेक की बात सुन के जिसका मुख प्रसन्न नहीं हुआ था, राम जी का मुख जब राजाभिषेक की सूचना आई कल तुम्हारी गद्दी है, तो प्रसन्नताम या न, राजगद्दी की बात सुन के जो खुश नहीं हुआ था, और तथा न ममले बनवास दुखता, बनवास की न्यूज जब आई अगले अगले घंटे बाद, दो घंटे बाद, कि नहीं गद्दी नहीं, जंगल जाओ, बनवास जाओ, तो ममले माने दुखी नहीं हुए जिसका चेहरा, गद्दी से प्रसन्न नहीं हुआ जो, और वनवास का समाचार पाके दुखी नहीं हुआ जिसका चेहरा हमेशा सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा, जिसका चेहरा हमेशा प्रसन्न रहता है, ऐसे भगवान राम को प्रणाम किया गया है। और देखो देखो भाई बहन, भाई बहनों, राम की जो खुशी है ना, राम का जो सुख है, वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं है। हमारा आपका सुख डिपेंडेबल सुख है, हम आप मानते ये मिल जाए तो सुखी हो जाए, ये चीज मिल जाए तो सुखी हो जाए, मकान बन जाए तो सुखी हो जाए, एसी आ जाए तो सुखी हो जाए, नौकरी पा जाए तो सुखी हो जाए, हमारा आपका सुख डिपेंडेबल सुख है, ये मिले तो सुखी, वो मिले तो सुखी। राम का सुख किसी पर निर्भर नहीं करता है, राम स्वयं, राम की परिभाषा क्या है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो करते त्रय लोक सुपासी, सी करते त्रय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक। हमारा आपका सुख निर्भर सुख है, ये पाऊं तो सुख हो पाऊं, लेकिन राम जी सुख राशि, वो स्वयं सुखी है, उनका सुख स्वरूप है वो साक्षात। और भाई बहनों, हम आप भी वास्तव में हैं सुख स्वरूप ही,
लेकिन वो माया में फंस गए ना। रामायण में एक चौपाई आती है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अगर राम सुख राशि है तो हम लोग कहीं और से टपके हैं क्या? उसी के तो पुत्र हैं हम लोग, उसी के तो बेटे हैं। तो अगर हमारा बाप सुख राशि है तो हम आप भी सुख राशि हैं। लेकिन सो माया बस भय गोसाई, अब ढूंढ रहा आदमी ये ऐसे थोड़ो मकान बन जाए तो सुखी हो जाए। मकान बन जाए तो अब कब हुआ? अब कूलर आ जाए तो सुखी हो जाए। अब कूलर आ जाए फिर अगली गर्मी में, कूलर में तो मजा नहीं, पानी भरना पड़ता है रोज। एसी लग जाए तो मजा आ जाए, एसी हो जाए तो पूछो अब क्या समस्या है? अब एक लड़कवा हो जाए तो मजा आ जाए, लड़का हो जाए तो एक और हो जाए तो मजा आ जाए। बस हम इसी में ढूंढ रहे हैं। और संसार में सुख कहीं है नहीं, कहीं नहीं। सुख राशि आप स्वयं हो। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊं। एक धोबी था, नाम था उसका बुद्धू धोबी, बुद्धू। एक दिन गधे बैठा वो धोबी बुद्धू और भागा जा रहा था, भागता हुआ, रोता चिल्लाता भागता। तो किसी ने पूछा, बुद्धू भाई क्या हुआ, क्यों इतना बेतहाशा भाग रहे हो? तो उसने कहा, हमारे एक गधा था, वो गधा कहीं खो गया है, एक गधा था वो कहीं बह गया है, उसी को ढूंढता घूम रहा हूं। तो उसने कहा, जो जिस पे बैठे हो किसका है? फिर तुम बैठे हो किसका गधा है? गधे बैठा रहा भाग रहा था, तो पूछा उसने कि ये बैठे हो ये किसका गधा है? तब उसने कहा, अरे यही तो बा, हम इसी को ढूंढ रहे थे, अब उसी बैठा एक ढूंढ रहा। ये कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, इस चुटकुले का अर्थ है बड़ा बढ़िया सा। हम आप भी कहीं ना कहीं वो बुद्धू धोबी वाला रोल निभा रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहे, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम लोग सुख की राशि हैं ऑलरेडी, लेकिन ढूंढते घूम रहे हैं। ये मिल जाए तो सुखी हो जाए, ये हो जाए सुखी हो जाए। मैं आपको एक राज बताऊं भाई बहनों, सुखी होने के लिए किसी वस्तु का होना आवश्यक नहीं है। थोड़ा सा समझिएगा इस केस को, बहुत ध्यान देके। सुखी होने का एक बड़ा बढ़िया उपाय मेरे पास का शास्त्रों में लिखा हुआ है। सुखी होने के लिए दृष्टिकोण चेंज करना पड़ता है। दृष्टिकोण, नजरें बदली तो नजारे बदल गए। बस तनिक दृष्टिकोण को चेंज करो अपने, खाली बस आनंद सिंधु आप स्वयं हैं, स्वयं आप बैठे हैं सुख की राशि पर, लेकिन ढूंढते घूम रहे हो सुख, क्योंकि निगाह नहीं बदल पा रहे हो। निगाह बदलने का अर्थ क्या है? हमारी आपकी निगाह हमेशा प्राप्ति पे रहती है, प्राप्ति पर। बस उसको थोड़ा मोल्ड कीजिए, प्राप्ति की बजाय दृष्टिकोण को प्राप्त पर लगा दीजिए, प्राप्त पर। जो मेरे पास है बस उसको देखना शुरू कर दीजिए। हम आप जो है उसको नहीं देखते, ये और होना चाहिए, ये और होना चाहिए था, अभी ये और कम है, ये और कम है। प्राप्त की बजाय हमारी निगाह हमेशा प्राप्ति पर लगी हुई है, और मिले और मिले और आए और आए। इसलिए सब कुछ होने के बाद भी हम सुख नहीं ले पा रहे हैं। तनिक निगाह बदलो, दृष्टिकोण बदल के देखो कि भगवान का दिया कितना है आपके पास, इतना कम है क्या? कम नहीं है। कई लोगों को अभी मैं प्रश्न पूछूं, जितना आपको भगवान ने दे रखा है इतना आपके बाप के पास था? आपके बाप टूटही साइकिल पर चलते थे, टूटही साइकिल पर, आप कार से घूम रहे हो, कम है क्या इतना? कईयों के बाप भी जिंदा है, उनसे पूछो अपने पिताजी से कि क्या था तुम्हारे पास, टूटही साइकिल, फटे चप्पल, फटी धोती। आपके पास दो दो कारें हैं, कितने सूटे बूटे हैं, कितने बड़े बड़े मकान हैं, एसी है, कूलर है। अब संतोष नहीं है तो उसका कौन इलाज है? कौन इलाज है? संतोष नहीं है तो इलाज उसको कोई ही नहीं। हमेशा हम प्राप्ति पर ही निगाह रखते हैं कि ये चाहिए, अभी ये चाहिए, अभी ये चाहिए। तनिक निगाह मोड़ के देखो तो दिखाई पड़ेगा कि वाह वाह प्रभु, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है, ये बंदा तो तेरे ही सहारे जिया है, बंदा तो तेरे ही सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तो मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता, जो खाली था दामन तूने भर दिया है, जो खाली था दामन तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो वो राम जिसकी कथा आप सुन रहे हो, राजगद्दी की बात सुनी पसंद नहीं हुए, वनवास की बात सुन के दुखी नहीं हुए, क्यों? क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि, उसका सुख डिपेंडेबल नहीं है, वो स्वयं सुख राशि है। और तीसरा अंतिम श्लोक जो है इस कांड का, मंगलाचरण का, एक महात्मा बोल रहे थे कि एक श्लोक में पूरी रामायण का वर्णन आता है। एक श्लोक ही पढ़ लो आखिरी वाला, चलो राम कथा पूरी आपको पूरी पढ़ ली आपने, जरा ध्यान देकर पढ़िएगा। नीलांबुजश्यामल कोमलांगम, अब देखो पूरा बालकांड इसमें खत्म हो गया, बालकांड। नीलांबुजश्यामल कोमलांगम, राम जी प्रकट हुए और भगवान के कोमल कोमल नील वर्ण के उनकी देह है, भगवान का बालकांड पूरा हो गया, ठीक है ना। और फिर जनकपुर गए, धनुष तोड़ा तो सीता समारोपित वाम भागम, जानकी उनके वामांग में, विवाह वाला काम पूरा हो गया, बालकांड पूरा। और फिर राम जी जंगल गए और पाणव महासायक चारु चापम, उठाए धनुहा और मार मार के खरदूषण को और रावण को, कुंभकर्ण को, पाणव, पूरा लंका कांड तो हो गया इसमें, इस आधी लाइन में। पाणव महासायक चारु चापम, और फिर जानकी जी के साथ वापस राम जी आए, नमामि रामम रघुवंश नाथम, जानकी जी के साथ राम जी रघुवंश के आसन बैठ गए हैं। एक श्लोक खाली रोज पढ़ लो ना तो संपूर्ण रामायण पढ़ने फल मिल जाता है, पूरी रामकथा का फल इसमें है। याद होगा सबको लगभग, याद है? किसको किसको नहीं याद है जी, सबको याद है। नीलांबुजश्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणव महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। कितना आसान श्लोक है, इसको याद कर लो, इसको रोज पूजा में शामिल करो अपने आप, आपको रोज रामायण का फल मिलेगा डेली। ये हो गया मंगलाचरण के तीन श्लोकों का प्रसंग। अब अयोध्या कांड का पहला दोहा बड़ा प्यारा है और सबको याद है, ये दोहा मेरे साथ सब लोग गाओ
और यहीं से यात्रा शुरू की जाए। सब लोग गांव में, सबको याद भी जानता हूं, याद है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल यशो जोदायक फल चार, जोदायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल यशो जोदायक फल। हनुमान चालीसा का पहला दोहा यही है, अयोध्या कांड का पहला दोहा यही है, श्री गुरु चरण सरोज रज से अयोध्या कांड शुरू होता है। गुरु के चरणों की धूल लेकर के और निज मन मुकुर सुधार, उसके बाद वर्णो रघुवर विमल यश। मैं राम कथा कहने जा रहा हूं। मैंने आपसे अभी एक बात कही थी, याद होगी तो याद रहे, भूल तो तुरंत जाता आदमी, तुरंत भूलता है, याद रह जाए तो एक कथा काफी है ना, छह कथक कामे कोई नहीं पड़ता अगर याद रहता तो, एक कथा ही पर्याप्त होती। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि बस वो बस उठते ही अभी 10 बजे सब भूल जाता है। पूछो आज क्या बोले पंडित जी, पता नहीं क्या बकबका रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं पता नहीं क्या, याद नहीं रहता। अभी बोले, जस्ट बोले एक बात में, अयोध्या कांड का अर्थ है जवानी का कांड, युवावस्था का कांड। और जवानी की शुरुआत में जब वासनाओं की आंधी चल रही हो जीवन में, वो धूल उड़ा रही हो वासनाएं जीवन में, हमारा मन मुकुर गंदा हो रहा हो। देखो जीवन एक गाड़ी है, उस गाड़ी का जो फ्रंट मिरर है, सामने का शीशा मन मुकुर, उस पर जब धूल जम जाती है ना जवानी की शुरुआत में, तो इंसान को सामने रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। शीशा बढ़िया साफ ना हो तो इंसान फंस जाएगा कहीं ना कहीं, यानी कि टक्कर मार देगा। शीशा बहुत साफ होना चाहिए। अभी मैं आ रहा था तो बार बार यही शिकायत हो रही थी कि शीशा साफ नहीं आगे वाला है, शीशा साफ नहीं आगे वाला है। तो हुआ कि उतर पहुंचाओ, तो कि जब तक उतरोगे तब तक कुछ निकल जाएगा थोड़ा आगे, और लोग लेट हो रहे थे ऑलरेडी, तो बिना पहुंचे हम लोग चलते रहे, ठुके नहीं, राम जी ले आए। शीशा साफ ना हो तो गाड़ी ठुकने का खतरा होता है, कोई आगे आ जाए और देख ना पाओ ठुक जाएगा पट से। ऐसे मुकुर बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, और खास करके जवानी में जब स्पीड में गाड़ी चलती हो तब बहुत जरूरी है। जवानी में पांचवा गियर होता है गाड़ी में, पांचवा गियर 120 की स्पीड, ऐसे में शीशा बहुत जरूरी है साफ होना, बहुत जरूरी। शीशा गंदा होगा आप कहीं ना कहीं लड़े पड़े हो गए। मन शीशा ही होता है, मन कुछ और नहीं है, मन मने दर्पण। एक पिक्चर देखा था मैंने बचपन में, काजल, उसमें एक गाना बड़ा बढ़िया था, तोरा मन दर्पण। मन किसी अंग का नाम नहीं है, क्यों, जैसे हाथ है पांव है कान है वगैरह, नहीं, मन शीशे का नाम होता है। जीवन की गाड़ी का जो सामने का मिरर है वो मन है, उसी में देख के इंसान अपना रास्ता तय करता है कि क्या गई गलत है क्या सही है, ये मन ही बताता है इंसान को। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को, ओ, 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 ओ मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब फैले, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी, भूल ना जमन
ओ रमन दर्पण तहला, हे तोरा मन दर्पण तहला, हे तोरा मन दर्पण तहला। अगर आपकी बॉडी में सबसे बीबीआईपी कोई जोन अगर है, बीबीआईपी जोन जैसे दिल्ली का वो सेवन मोदी जी का जहां अड्डा है, निवास है, वो सबसे वीआईपी एरिया मना जाता है, उसके आसपास हेलीकॉप्टर निकलना मना है, आसपास बंदूक लेके जाना मना है, बीबीआईपी जोन में आता है। लखनऊ का वो कालिदास मार्ग जहां योगी जी रहते हैं, बीबीआईपी जोन में आता है, ठीक है ना। ऐसे आपकी बॉडी में जो सबसे बीबीआईपी जोन है उसका नाम मन है। बहुत सिक्योरिटी चाहिए मन की। एक बार आंख फूट जाए ना तो आपका लोक परलोक खराब नहीं होगा, एक बार हाथ कट जाए तब भी आपका जीवन धन्य हो सकता है, कृतार्थ हो सकता है, एक बार दोनों पांव कट जाएं तब भी आप कृतार्थ हो सकते हो, माला उठा लो, पांव कौन काम माला में, धन्य हो सकते हो। लेकिन एक बार मन बिगड़ गया तो आपका यह पूरा जीवन तो खराब करेगा ही, आपका परलोक भी खराब करेगा। इसलिए हाथ पांव आंख कान से भी अधिक अधिक सिक्योरिटी किसी अंग को चाहिए इंसान के, मन को चाहिए, मन को चाहिए। तन बिगड़ता है तो कोई बहुत घाटा नहीं है, मन बिगड़ेगा तो आपके कई जन्म आगे वाले खराब, कई जन्म खराब करेगा। भाई बहनों, गीता में लिखा है, अब गीता तो आप लोग पढ़ते होंगे, काशीवासी हो यार, गीता भगवान कहते हैं मन के बंधन और मोक्ष का कारण खाली उसका मन होता है बस। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, इंसान की मुक्ति का कारण और नरक का कारण, बंधन का कारण अगर कोई है खाली उसका मन है बस। अब जब कृष्ण कह रहा है खाली मन ही मुक्ति कराएगा आपकी, अब मन ही आपको नरक पहुंचाएगा, तो कितनी सिक्योरिटी उसको चाहिए। मन बिगड़ा नरक पहुंचाएगा आपको, और मन संभाल लो यही बैकुंठ का गेट खोल देगा। जैसे ताला की चाबी होती है ना, वो लेफ्ट साइड घुमाओ तो ताला बंद कर देती है और राइट घुमा दो खोल देती है। चाबी एक के दो काम करती है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन रूपी ताले की चाबी मन है। मन रंग साइड में घुमाए उसको आप संसार की ओर, भोगों की ओर, विषयों की ओर, बंधाए विषयासक्तम, विषयों में मन गया कि बंधन करेगा। और इसको राइट साइड मोड़, राइट मैंने सही देना नहीं है, सही दिशा मोड़ो उसको, और सही दिशा मन जो जाता है मुक्तम निर्विषयम मना, इंसान के बैकुंठ का द्वार खोल देता है मन ही उसका। इसलिए मन को बहुत साफ रखो। भगवान राम से पूछा किसी पत्रकार ने, किसको मिलते हो आप, कैसे मिलते हो आप, तो राम जी बिल्कुल दो टूक बोले हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावन, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझको पाने का एकमात्र उपाय है निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तुम कितने माला करते हो, कितनी आरती करते हो, कितने मंदिर जाते हो, कितने पाठ करते हो, इसका भगवान से कोई सरोकार नहीं। कोई पाठ करके ईश्वर को आज तक पाया हो बताओ, उदाहरण मेरे पास की फलाने किताब भाई ने इतनी किताबें पाठ कर डाली तो उसको भगवान मिल गए, फलाने भाई ने इतने माला कर डाले उसको ईश्वर की प्राप्ति हो गई, एक भी दृष्टांत लाओ मेरे सामने आप, इतने माला करके भगवान मिलता किसी को। मैं माला न करो नहीं कह रहा हूं, पाठ न करो बना नहीं कह रहा हूं, ये सब मन की शुद्धि के उपाय हैं। ये सब का उद्देश्य मन की शुद्धि खाली बस होता है। माला का उद्देश्य क्या है, मन की शुद्धि, पाठ का उद्देश्य क्या है, मन की शुद्धि। भगवान को पाने का उपाय माला नहीं है, भगवान को पाने का उपाय आरती नहीं है, भगवान को पाने का उपाय मंदिर भी नहीं है, भगवान को पाने का उपाय है निर्मल मन, निर्मल मन। अब एक सवाल आता है कि बाकी चीजें साफ करने के बहुत से उपाय हैं, कपड़े धोना हो तो सर्फ एक्सल, बर्तन धोना हो तो बिम बार, फलां फलां बहुत से आइटम आ रहे हैं, देह धोनी हो तो लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, देह धोने के उपाय हैं, बर्तन धोने के उपाय हैं, कपड़े साफ करने के उपाय हैं, वॉशिंग मशीन है, तमाम पाउडर है, लेकिन मन को संभालने का उपाय क्या है, मन को स्वच्छ करने का उपाय क्या है। तो बर्तन धोने के बहुत से उपाय हैं, कपड़े धोने के बहुत से उपाय हैं, लेकिन मन को धोने का
एकमेव, वनली वन उपाय है। और जानते हैं क्या है वो? श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु भगवान के चरणों की धूल ही मात्र उपाय है एक, जो आपके मन को स्वच्छ कर सकती है, मन को साफ कर सकती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं युद्धकांड में, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। अब इसके बाद बरनाऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। मन को सुधारने के बाद अब मैं राम कथा कहने जा रहा हूं। कितना बढ़िया, बढ़िया का कितना कितना मजबूत नियम लिखा है, स्ट्रांग नियम है ये राम कथा कहने की। बहुत स्ट्रिक्ट शर्त है, स्ट्रिक्ट शर्त, जिसको देखो वही रामायणाचार्य भगवताचार्य नहीं बन सकता है। देखो ये जो चौकी है ना, ये चौकी, इसकी अर्हता होती है, इसकी शर्त होती है। हर कुर्सी की शर्त है कि यस, डीएम की कुर्सी कौन बैठ सकता है जो पीसीएस करे, डीएम की कुर्सी कौन बैठ पाता जो आईएएस करे, एसपी की कुर्सी कौन बैठेगा डीआईजी आईजी कुर्सी पर जो जो क्या होता है आईपीएस आईपीएस करे, शर्त है उसकी। सीएम कुर्सी कौन बैठ सकता है सीएम की सीट पर जो इतने एमएलए लाए, इतने एमएलए उसके पास बैठ जाएगा। जब ये संसार की सभी कुर्सियों की शर्त है, सभी सीटों की, तो जिस सीट के आगे दुनिया की हर सीट नतमस्तक होती है, जिस कुर्सी के आगे दुनिया की हर कुर्सी, डीएम आए, एसडीएम आए, पीएम आए, सीएम आए, अरे राष्ट्रपति महामहिम आ जाए, प्रभु अगर बुला लिया जाए बाई चांस, तो महामहिम भी इसके आगे भी प्रणाम ही करेगा। जिस सीट के आगे हर सीट नतमस्तक हो जाती है, क्या उस सीट की कोई नियम नहीं है क्या? नियम है, और नियम लिखा है पहले दोहे में, निज मन मुकुर सुधार, उसके बाद यहां बैठने का अधिकार मिलता है। जिसका खुद का मन सही नहीं है, जिसका खुद का मन दूषित है, वो आपके मन को क्या खाक संभाल पाएगा? पहले अपने मन को संभाला जाए, उसके बाद दूसरों को उपदेश दिया जाए, राम कथा बांची जाए। वो आपने वो सुना होगा गुड़ वाली कथा, हो नहीं सुनी? सुनी हो कई बार। एक बुढ़िया थी, उसका पोता गुड़ खाता था, तो वो एक महात्मा के पास ले गई, गुरु जी इसको गुड़ बहुत खाता है, जरा कह दो छोड़ दे। तो बाबा ने कहा नेक्स्ट संडे आइए, एक हफ्ते बाद आओ, अगले संडे तब बताऊंगा। अगले बार फिर बुढ़िया आई संडे को, बाबा ने उसका माथा छुआ, उसको पीठ पे हाथ मारा बच्चे की, कहा बेटा गुड़ बिल्कुल छोड़ दो आज से, छोड़ दो कतई। उसने कहा गुरु जी मैं छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। मेरी कई कथाओं में लोग सुरती उड़ती लाते हैं ऐसे चाहते पर, मेरी कई कथाओं में अनुभव हुआ है मुझको। वो दक्षिणा में वो गुटका चढ़ा इसमें लपेटा का गुटका, तो हमने पूछा वो नामो लिखा उसके पर, और चढ़ा बस आम बाहर तीन चार पुड़िया। तो हमने पूछा ये कौन चढ़ाया, नाम पढ़ा उसका मैंने, तो हमने पूछा उससे बुला कर क्यों चढ़ाया हुए। कहा गुरु जी आपकी कथा सुन के मन में प्रेरणा आई है कि आज से गुटका बंद बंद, मैं और क्या चढ़ाऊं, ये गुटका ही आपके हवाले कर रहा हूं मैं। लेकिन ये सब तब असर करता है जब गुटका पहले हम खुद न खाएं तब। अब हम खुद ही चबाते हो तीन टाइम शाम बाहर, तो हमारी बात का असर होगा नहीं होगा? उस बाबा ने कहा अभी जाओ एक हफ्ते बाद आना तब बताऊंगा इसको। वही एक हफ्ते बाद पीठ छोकी, कहा बेटा गुड़ छोड़ दो, बस कहा ठीक गुरु जी छोड़ दिया छोड़ दिया। तो उस बूढ़ी माँ ने कहा गुरु जी एक सेंटेंस ही खाली बोलना था आपको, गुड़ छोड़ दो, तो ये बात पहले बोलते संडे को, फालतू एक हफ्ते बाद कहा बुलाए हो। तो उस बाबा ने कहा माता जी इसके पहले संडे तक मैं भी गुड़ बहुत खाता था, वो तो जब आप आई तो हमने उसको पहले छोड़ा है एक हफ्ते तक, तब मेरी बात में असर पैदा हुआ है। बात में वजन तभी पैदा होता है, असर कारक शब्द तभी होते हैं जब उसको खाली बोला ना जाए, उस पर चला जाए, उसको खुद फॉलो किया जाए पहले। आजकल की कथाओं का बहुत असर क्यों नहीं हो रहा है? कितनी कथाएं चले, कितनी कथाएं, मंदिर मंदिर, गली गली, गांव गांव, अरे कई तो घेर 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 घेर, ना बुलाओ तो हूं आ जाते, कथा कराओ कथा कराओ हमारी, बस घेर घेर कथाएं लोग कर रहे हैं, घेर घेर करके, निमंत्रण नहीं है तो खड़े हैं, बस चौकी डालो माइक लगाओ बस हमारी कथा कराओ पट दे। कितनी कथाएं गली गली कुछ कुछ हो रही, असर कुछ हो रहा है कथाओं का? क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोग खाली बोलना जानते हैं बस, उसका 1% फॉलो नहीं करते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ज
जे आचरहिते नर न घने रे, जे आचरहिते नर न घने रे, पर उपदेश कुशल बहुते रे, पर उपदेश कुशल बहुते रे, जे आचरहिते नर न घने रे। कथा केवल ताची न जाए, कथा जी जाए। अभी मैं एक कथा सुन रहा था, बापू जी की बोल रहे थे वो, कि गुजरात के जो कथाकार है, गुजराती कथाकार उधर वाले, वो कहीं कथा कहने गए हो किसी गांव में, किसी शहर में, उनके पीछे कोई घर जाए, उनके मैंने पंडित जी घर पे ना हो और कोई घर पे जाए और उनकी मैडम से पूछे कि गुरु माँ पंडित जी कहाँ गए, महाराज जी कहाँ गए, तो उनके यहाँ की परंपरा उधर की है, उनकी मैडम बोलती है कि हमारे पंडित जी कथा करने गए, कथा करने। और अपने यहाँ की परंपरा है उत्तर भारतीय लगभग अपने यहाँ, और जो हमारे यहाँ कोई पहुंच जाए लखनऊ, पूछे पंडितानी जी कहाँ गए भाई जी, तो जनता क्या बोलेंगे, कथा कहाए गए हैं, कथा कहने गए। अब कितना बड़ा अंतर आ गया, कथा कहने गए हैं और कथा करने गए। कथा कही न जाए, कथा करी जाए, कथा करी जाए। जिसको हम बोले, उसको बोलने पहले हम खुद करें उसको, तब बात में दम पैदा होगा, तब बात असरकारक होगी। और खाली बस तो पहले निज मन मुकुट सुधार, उसके बाद वर्णो रघुबर विमल यस, तब राम कथा कहने का अधिकार व्यास को प्राप्त होता है। कोई भी व्यास, मैं भी उसमें आता हूं, मैं भी अतिक्रमण न किया जाए किसी भी सीट पर। आजकल अतिक्रमण बहुत चल रहा है, हर सीट पर अतिक्रमण चल रहा है, हर हर जगह। सो भाई बहनों, श्री गुरु चरण सरोज रज, बात समझ में आ रही कि तो कठिन पड़ रहा है, कठिन तो थोड़ा होगा आपकी बार, कठिन तो होगा लेकिन ध्यान लगाओगे तब समझ में आएगा। तो श्री गुरु चरण सरोज रज गाओ गाओ, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल यसु जो दायक फल चाहे, जो दायक फल चाहे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल यस जो दायक फल चाहे, जो दायक फल चाहे। तो स्वामी जी कहते हैं मैं अब मन को शुद्ध करके राम कथा कहने जा रहा हूं, ये राम कथा समाज को क्या देगी, तो जो दायक फल चार, राम कथा चार फल देती है समाज को। कौन कौन चार फल है जी? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार फल माने गए। अच्छा, चार ही फल क्यों लिखे गए, पांच फल क्यों नहीं, तीन फल क्यों नहीं, कि संतरा नींबू और अनास, अनन्नास, अनार, तीन फल कहे नहीं, चार फल ही क्यों और पांच क्यों नहीं? क्योंकि 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 संसार में चार प्रकार के ही भक्त होते हैं। बस ये पंडाल लगा है, इस पंडाल में चार ही प्रकार के लोग बैठे हुए हैं, फोर कैटेगरी श्रोताओं की होती। कौन कौन? राम भगत जग चार प्रकारा, गोस्वामी जी कहते हैं, पांचवा प्रकार नहीं लिखा है, तीन भी नहीं, चार प्रकार। एक जिज्ञासु, दो अर्थार्थी, तीन आर्त, ध्यान देकर सुनेगा, और चार ज्ञानी। जिज्ञासु, अर्थार्थी, आर्त और ज्ञानी, चार प्रकार के भक्त जगत में होते हैं, पंडाल में होते हैं, हर पंडाल में। तो इंसान को कथा इस ढंग से कहनी चाहिए व्यास को, कि चारों लोगों को चार फल मिल जाए। जिज्ञासु का फल दूसरा होता है, अर्थार्थी का फल दूसरा होता है, आर्त का फल तीसरा है, और ज्ञानी का फल ही चौथा है, दूसरा फल है। चार फल है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जिज्ञासु का फल है धर्म, अथातो धर्म जिज्ञासा। जो जिज्ञासु होते हैं उनके अंदर बड़ी जिज्ञासाएं होती हैं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो जिज्ञासु की धर्म जिज्ञासा को शांत करे, धर्म का फल उसको दे, धर्म जिज्ञासा उसकी पूर्ति करे।
अर्थार्थी का एक ही फल होता है अर्थ। अर्थार्थी माने पैसे का भूखा आदमी, पैसे भूखा अर्थार्थी। अर्थार्थी को अर्थ की का फल देती है मन कामना सिद्ध नर पावा जे कथा कपट तज गावा। इस कथा को गाओ, अगर आपके मन में कोई ऐसी कामना है ना ये वाली पूरी हो जाएगी पक्का। हालांकि ऐसी कामना वर्जित है शास्त्रों में, फिर भी अगर है पूरी होगी। दूसरा फल है अर्थ कथा का। अर्थ आदमी क्यों होता है? कामनाओं की पूर्ति न होने के कारण। काम माने कामना, हमारी कोई इच्छा नहीं पूरी तो हम दुखी हैं, अर्थ है। भक्तजनों के संकट पल में दूर करे। अर्थ माने क्या होता है? कष्ट दुख। और दुख किस बात का होगा? ये इच्छा रह गई, ये इच्छा रह गई, काम का प्रतीक इच्छा होती है। तो अर्थ की कामनाएं पूर्ति करती है कथा, उसको काम की पूर्ति करती है। तीसरा फल काम। और ज्ञानी का फल क्या होता है? ज्ञानी क्या चाहता है? ज्ञानी का एक ही फल होता है मोक्ष। ज्ञान मोक्ष प्रद, ज्ञान का फल ही मोक्ष है। तो जिज्ञास की धर्म जिज्ञासा को शांत करे, अर्थार्थी को अर्थ की पूर्ति करे, अर्थ की कामनाओं की पूर्ति करे, और ज्ञानी को मोक्ष का मार्ग दिखा दे। जो दायक फल चार, चारों फल देती है रामकथा। अर्थार्थी का अर्थ, जिज्ञास का धर्म जिज्ञासा, ज्ञानी को मोक्ष आदि आदि। लेकिन एक बात मैं और भी जोड़ दूं, और अपनी ओर से कीमती बात है, ध्यान देकर सुनेगा। चार फल कथा उसी व्यास की देगी, सब व्यासों की नहीं, जिस व्यास में चार बातें पहले से हो। थोड़ा सा गंभीर विषय है, प्लीज लिसन, ध्यान देकर सुनेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कथा समाज को चारों फल दे, वर्णो रघुवर विमल जो दायक फल चार, हमारी कथा समाज को चार फल दे, तो पहले हमारे में चार बातें होनी चाहिए। कौन कौन चार बातें? चारों का तासे नाम है, तासे, तासे। नंबर एक तासे त्याग, नंबर दो तासे तप, नंबर तीन तासे तल्लीनता, और नंबर चार तासे तन्हाई, तन्हाई। जिस व्यास में चार ता हैं, जिस व्यास में नंबर एक जिसके जिन में त्याग है, जो त्याग से भरा नहीं, जो पैसा ढूंढ रहा है कि कथा बांची तो चार तारीख को इतने हजार मिले, जो खाली इतने हजार के लिए कथा कहता है, इतने हजार के लिए, इतने लाख के लिए, वो उसकी कथा कोई फल नहीं देने वाली, कोई फल नहीं देगी। चाहे उसकी पब्लिक उसके यहां बैठी हो एक लाख के आसपास, लेकिन जिसका उद्देश्य लिफाफा है चार तारीख को, उसकी कथा कोई फल देने वाली। त्याग होना चाहिए व्यास के अंदर स्वयं में। नंबर दो, व्यास के अंदर तप होना चाहिए। तप माने पुरुषार्थ, तप माने परिश्रम। जो व्यास तप तपस्वी नहीं होगा, उसकी कथा निखार नहीं आएगा, कथा उसकी बस जहां की तहां रुकी रहेगी। कथा में निखार लाना है, कथा को असरकारक बनाना है, तो इंसान को व्यास को कम से कम स्टडी अध्ययन करके तपस्या करके कथा में निखार लाना चाहिए। और सदगुरु के चरणों में तल्लीनता, तल्लीनता माने गुरु के चरणों में तल्लीन होना। जो व्यास अपने गुरु के चरणों में तल्लीन नहीं है, उसकी वाणी बिखर जाती है, उसकी कथा फिर सुचारू नहीं हो पाती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, तल्लीनता। और अंतिम ता है, आखिरी चौथा ता हर व्यास में होना चाहिए, तन्हाई, एकांत सेवन। जिसमें चार बातें हैं, कौन कौन? ता से त्याग, ता से तप, ता से तल्लीनता, और ता से तन्हाई। जिस व्यास में चार लक्षण है, उस व्यास की कथा जो दायक फल चार, चार फल समाज को कथा देती है। तो गोस्वामी जी पहले दोहे में यही बात करें, मेरी जो मैं राम कथा कहने जा रहा हूं, ये चार फल आपको देगी। और इस मंगल कामना के साथ बाबा ने अयोध्या कांड की यात्रा शुरू किया है, और पहली चौपाई मेरे साथ सब लोग गाओ अयोध्या कांड की। जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते गाना पड़ेगा, गाना पड़ेगा प्यारे। नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी, रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई,
उमगि अवध अम्बुध कहु धाई, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, राम चंद्र मुख चंद निहारी। एक महात्मा जी बोल रहे थे, बहुत कीमती बात एक महात्मा जी कर रहे थे कि अयोध्या कांड की शुरू की आठ चौपाई, मैंने पहली चौपाई से लेकर आठ चौपाई तक नित्य सवेरे अगर पाठ कर लो, आठ चौपाई केवल शुरू की आठ चौपाई पहले पन्ने की, तो एक बहुत बड़े महात्मा का वादा है। नाम बताऊं, चित्रकूट के महात्मा हैं स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज, सिद्ध पुरुष। उनकी कथा में सुन रहा था एक बार, बोल रहे थे कि जो इन अयोध्या कांड की शुरू की आठ चौपाई का नित्य पाठ अपने शामिल कर ले जीवन में, तो उसके घर में पैसा कितना आएगा, रुपया कितना आएगा ये तो नहीं बता सकता हूं मैं, गुरु जी कह रहे थे, लेकिन उसके घर में गरीबी कभी नहीं आएगी, ये हमारा पक्का वादा है। उसका घर कभी धन धान्य से रिक्त नहीं हो सकता है। ये आठ चौपाइयां मंत्र है अयोध्या कांड की। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चार दस भूधर भारी, सुकत मेघ बरसई सुख भारी। आठ चौपाई गिन के बस रोज पाठ कर लो और फिर आप देखोगे चमत्कार। संत कह रहा है तो ऐसे नहीं बोलना होगा, कुछ कुछ आधार बोलना होगा कि उसके घर में पैसा कितना आएगा ये तो नहीं बताया, लेकिन गरीबी कब जो आ जाए तो फिर हमारा चैलेंज है, उस महात्मा का चैलेंज है। तो सुंदर अयोध्या कांड की पहली चौपाई है, जब ते राम ब्याह घर आए, जब से चारों भैया राम माने चारों भैया, ठीक है ना। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये राम कथा इसका नाम मानस है, मानस, मानस माने खाली वो, ये मानस नहीं, मानस माने होता है चारों भैया, गिनो, मा प्लस आ प्लस न प्लस स, मानस में चार अक्षर है, मा म प्लस आ प्लस न प्लस स। मा माने मर्यादा, मर्यादा का अर्थ क्या है, राम, मर्यादा का राम उसके पर्यायवाची। दूसरा अक्षर है आ, मानस का, आ माने आदर्श, आदर्श के प्रतीक कौन, लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण जी आदर्श भाई है, वो विश्व की धरती का आदर्श। तीसरा अक्षर है न, न माने नम्रता, और नम्रता की मूर्ति शत्रुघ्न भैया, इतना विनम्र पात्र है रामायण का, वो हमेशा झुक के रहा है। और स माने समर्पण, और समर्पण की मूर्ति है भरत भैया, हमारा भरत भैया। तो मर्यादा, आदर्श, नम्रता और समर्पण इज इक्वल टू मानस। तो जहां राम कहा जाए वह राम माने चारों भैया, चारों भैया। तो जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुखवारी, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, राम चंद्र मुख चंदु निहारी, राम चंद्र मुख चंदु निहारी। कथा में जुड़िए, ध्यान देके, जब से राम ब्याह घर आए, चारों भाई जब से ब्याह के आए, तो अयोध्या में सब विधि सब पुर लोग सुखारी, अत्यंत सुख की वर्षा, बरसा ही सुखवारी, पानी नहीं बरसता अयोध्या में, सुख की वर्षा हो रही राम के ब्याह के आने के बाद में, बहुत सुख। और बहुत सुख प्यारे बहुत खराब होता है, बहुत खराब होता है। यहां पर देखिए, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, दसों दिशाओं से चारों दिशाओं से सुख 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 आ रहा था, और जहां अति सुख आ जाए वहां फिर राम वनवास की तैयारी शुरू हो जाती है। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, राम वनवास के कारणों में कैकेयी, मंथरा और सब, सरस्वती मैया और देवता, ये सब तो कारण ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है अयोध्या का अति सुख, अति सुख। सुख की निंदा नहीं है, सर्वे भवन सुखना की हमारे यहां आज्ञा है शास्त्रों में, सुखम में ब्रुयात, सुख संपत्ति घर आवे, इस हमारे गाया गया है शास्त्रों में, लेकिन अति वर्जित है। अति सुख जब आ जाएगा ना, तो इंसान के जीवन से राम वनवास का प्लान शुरू हो जाएगा।
अयोध्या में अति सुख आ गया। आप कभी अनुभव करो अपने जीवन में भी, समाज में भी, दो भाई हो, सगे भाई, और दोनों में खूब पटरी खाती हो, और बाई चांस दोनों का खूब बढ़िया काम चल जाए और दोनों खूब पैसा वाले हो जाए, खूब सुखी हो जाए, जानते क्या होगा? दोनों भाई अलग हो जाएंगे पट से। एक भाई गोरखपुर प्लाट लेगा, एक बनारस प्लाट लेगा, एक मऊ प्लाट लेगा, और दोनों तीनों भाई तो जहां तहां हो जाएंगे। सुख अलग करता है, जहां जहां सुख है आप देखो सब भाई अलग अलग हुए, उनकी दुकान अलग, उनकी मकान अलग, उनका मकान उस मूल्य, उनका मकान उस मूल्य में। सुख का परिणाम है बिलगांव, और दो भाई हो, सगे भाई, और बहुत जबरदस्त दोनों बैर हो, एक दूसरे से बात न करते हो 6-7 साल से, और बाय चांस एक भाई के यहां अनहोनी कोई घटना घट जाए, बड़ा दुखद कांड हो जाए, कोई दुखद घटना घटे ना, तो अगर दूसरा भाई 6 साल से बोला ना हो, मिलने ना आया हो, घर पे ना आया हो, लेकिन जो फोन पहुंचता है कि तुम्हारे भाई के यहां बहुत बड़ा कांड हो गया है, दुर्घटना घट गई है, वो फटाफट स्कूटी उठाएगा, भैया भले आपसे नहीं बोलते हैं, भले हमारा आपका नहीं पट रहा है, लेकिन जो हुआ ये बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ है। दोनों भाई तुरंत मिल लेते हैं। इसका मतलब क्या है? सुख अलग करता है और दुख मिलाता है, दुख जुड़ता है। सुख का स्वभाव ही बिलगाव करना है और दुख का स्वभाव एक कर देना होता है। अयोध्या में क्यों बिलगाव हो गया? अयोध्या में अति सुख आ गया, अति सुख। और हमारे यहां लिखा है अति सर्वत्र वर्जित है, सर्वत्र वर्जित। अति का भला न का है, बोलो बोलो, कक्षा 5 नहीं पढ़े हो का? अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अब इसमें अति 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 4 जगह मना किया गया है, अब इसको और जोड़ लो, इसमें अति सर्वत्र वर्जित है, सब जगह वर्जित। अति सुख हो जाए तो इंसान राम को जीवन से बाहर कर देगा, अति दुख हो जाए तो इंसान सुसाइड कर लेगा, अति पैसा हो जाए तो इंसान बौरा जाएगा। अभी रास्ते में बाबूजी कह रहे थे, कनक कनक ते 100 गुनी, अभी रास्ते में दोहा सुन रहा था गाड़ी में ही, कनक कनक ते 100 गुनी मां दगता अधिकाए, और या खाए बौराए जग, और या पाए बौराए। क्योंकि बहुत पैसा आ जाए तो इंसान बौरा जाता है, फिर बाप और मम्मी और भाई और पड़ोसी और गुरुजी और बाबा जी सबको देने में, सबको देने में, राम राम को सब गेट आउट, राम को निकाल दे, यही तो राम वनवास। और राम वनवास क्या होता है? राम जीवन से आउट हो जाए, यही तो राम वनवास है। और जब अति सुख आता है तो राम निकल जाता, क्यों? अति के बाद फिर कौन सा भजन है? अति अति कभी ना करना बंद, इति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना करना बंद, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना करना बंद, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। और पांडव जो अकेले शकुनी पासे फेंक रहा, दुर्योधन की दादगिरी को अटवर नागर देख रहा। और पांडव जो अकेले शकुनी पासे फेंक रहा, दुर्योधन की दादगिरी को अटवर नागर देख रहा। बिना शस्त्र ले वंश मिटाए, बिना शस्त्र ले वंश मिटाए, लीला नटवर की देखो, लीला नटवर की देखो। जिसने जिसने मजा किया है उसका दादर कर देखो। अति कभी ना करना बंद, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। छोटा के बाद क्या आता है भाई बहनों? बड़ा तो वो तो आ ही हो गया, आई अगर स्वर बदला जाए तो आ के बाद ई आता है सीधे, छोटी ई। अति के बाद सीधे इति, जहां अति पे आप पहुंचे उसके बाद इति शुरू हो जाएगी आपकी।
अयोध्या में कुछ ज्यादा ही सुख आ गया। मैं सुख की बुराई नहीं कर रहा हूं, सुख की निंदा नहीं है। हम कुंती है नहीं कि हम दुख मांगे भगवान से। कुंती भैया मांग ली थी मुझे को दुख चाहिए, और कुंती मांगे वो मांगे, हम लोग कुंती हैं क्या? हमको सुख चाहिए, सुखम में ब्रुयात, वेद में लिखा है हमको सुख चाहिए प्रभु जी। जो धावे फल पावे, और दुख बिन से मन का, और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये हमारी डिमांड है भगवान से। लेकिन सुख की अति नहीं होनी चाहिए। अयोध्या में जब से राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल, अत्यंत सुख, अत्यंत सुख। और इसी बीच जानते क्या हुआ, इसी बीच एक घटना घटी। गोस्वामी जी कहते हैं, एक समय सब सहित समा जा, एक समय सब सहित समा जा, राजसभा रघु राज बिराजा, राजसभा रघु राज बिराजा, हो राजसभा रघु राज बिराजा। एक बार की बात है, अयोध्या में खूब सुख था, तब की घटना है। दशरथ जी का दरबार लगा हुआ था, और महाराज जी के दरबार में आने का समय हो चुका था। सब दरबारी विराजमान थे, दशरथ जी के आने का समय हुआ, सब जो अनाउंस हुआ महाराज जी पधार रहे हैं, सब खड़े हो गए। और महाराज जी जैसे बीच में गैलरी छूटी, ऐसे बढ़ते आ रहे अपने सीट की ओर, और जब दरबार की ओर बढ़े अपनी गद्दी की ओर, तो दोनों ओर से पब्लिक और मंत्री सब खड़े होकर जय जयकार करना शुरू किया। मंगल त्रिभुवन तीन काल जगमाही, भूर भाग दशरथ समनाही। दशरथ के समान भागशाली कौन दुनिया में है, जिसके राम के ऐसा बेटा है, सीता के ऐसी बहुरिया इनके आई है। और खूब बड़ाई चारों ओर शुरू हुई दशरथ जी की, और उस प्रशंसा को सुनते हुए दशरथ जी अपनी सीट के पास आए, सिंहासन के पास। और गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज जी उस बड़ाई को सुनते आए गद्दी के पास, तो पहला काम किया प्रशंसा सुनने के बाद में, राय सुभाए मुकुर कर लीना, राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना। बड़ाई सुनते महाराज जी जब सिंहासन के पास पहुंचे, तो दर्पण निकाल के देखना शुरू किया। मनो सूत्र दे रहे हैं महाराज जी, एक कथा नहीं है, मैं आपको बार बार दोहरा चुका हूं 3 साल से। राम कथा को कथा मान के जब तक सुनोगे आप, 6 साल 60 साल 72 साल जब तक इसको कहानी मान के सुनते रहोगे कि खाली कहानी चल रही है, ये इसका कुछ मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, कहानी बिल्कुल नहीं है भाई बहनों, ये सब सिद्धांत है, एक एक चौपाई सिद्धांत है रामायण की। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, कहानी नहीं सुनाती रामायण खाली, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना हो, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना हो, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज
राम कथा को बहनों भाइयों इसी भाव सुनना चाहिए कि कहानी नहीं है, हमारा एक एक कदम कैसे उठे जीवन में उसको सिखाती है रामायण। तो महाराज जी जब बड़ाई सुनते आए दशरथ जी गद्दी के पास खड़े हुए, तो मुकुर कर लीना, दर्पण हाथ में लिया और शीशा देखना शुरू किया, दर्पण देखना शुरू किया। अब इतना बड़ा राजा और सामान्य राजा नहीं, धर्म धुरंधर, गुणनिधि ज्ञानी, राम का बाप, इसके पुत्र बन के परमात्मा है वो राजा दशरथ, और भरी सभा में दर्पण देख रहा है, आईना देख रहा है, ये बात हजम ही नहीं हो सकती किसी को, ये बात जमती ही नहीं। अब लिखा तो यही है कि राज सभा मुकुर कर लीना बदन बिलोक, शीशा लिया हाथ में, मुकुर लिया और उसमें अपना मुंह देखा, लेकिन ये बात हजम नहीं हो सकती हमको, आपको हजम हो जाए हमको नहीं हो सकती। धर्म धुरंधर, गुणनिधि ज्ञानी, अब भरी महफिल में आई ना देखे, अरे हम सबके बस की बात नहीं यार, छोटे मोटे खाली महाराज हैं, पंडित जी हैं, वहां से देख के भले आवे कि हाँ तिलक ठीक लगा कि नहीं लगा है, मोटा पतला कैसा है, लेकिन अरे सोचो कि आप आगे बैठे हो, बैठ चुके हो, हम वहां से आए कमरे से और निकालें जेब से शीशा है को आपके आगे देखें, तो आप मन है मन कम से कम 500 गाली हमको दोगे मन है मन में कि बाबा है कि ये बवाल है पूरा, इसको दर्पण देखना वहां से देख के आए, मुंह देखना है, बाल बाल ठीक करने हैं तो अपने रूम से देख करके आओ, अब भरी महफिल में हम शीशा देखें, यार हमारे से छोटे मोटे तुच्छ प्राणी को भी ये बात जमती नहीं है। तो राम के पापा धर्म धुरंधर ज्ञानी और भरी महफिल में भरे दरबार में शीशा देखें, ये बात आपको हजम हो रही क्या? हमको नहीं हजम हो रही। दर्पण का अर्थ कुछ और होता है, शीशा नहीं केवल, दर्पण माने संधि विच्छेद करो इसका, दर्प प्लस न, दर्प प्लस न, दर्प माने ईगो घमंड और न माने नहीं, और खास करके उस समय जब आपकी प्रशंसा हो रही हो, जब चारों दिशाओं से जय जयकार आपकी हो रही हो, महाराज जी की जय हो, महाराज जी की जय हो, उस समय दर्पण देखना माने दर्प नहीं करना है, घमंड नहीं करना है,